जी गोस्वामी जी बताइए, बिहारी जी के भक्तों को उनके दर्शन कब हो पाएंगे? बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जब माँ राधा की कृपा होगी तभी बांके बिहारी जी के दर्शन होंगे। राधे राधे जपे जा, बांके बिहारी जी को रटे जा। बांके बिहारी जी के दर्शन कोई किसी के कहने से बंद नहीं हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया तो स्वाभाविक ही लॉकडाउन सब जगह हो गया। उसके बाद सारे लोगों ने प्रयत्न किया लेकिन मंदिर उसी दिन से बंद हो गया जिस दिन से लॉकडाउन हुआ। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8 तारीख जैसे कल खोलने का निर्देश दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 8 तारीख को यदि खोला जाएगा जी तो न तो पुलिस की हिम्मत है भीड़ को रोकने की और न किसी और की हिम्मत है भीड़ को रोकने की। कायदा ये हो बीच बीच में हमारे मथुरा के DM साहब, SSP साहब छोटे छोटे निर्देश दें, 2 दिन के लिए दर्शन खोल दें, किसी दिन शाम को खोल दें, किसी दिन सुबह खोल दें, और लोकल आदमियों का जाने का प्रवेश का एक क्रम रखें कि केवल लोकल आदमी जो ID दिखाएगा गोला के अंदर खड़ा होगा और दूरी का ख्याल रखेगा, माउथ को मुंह पे बांधेगा, सैनिटाइजर करेगा, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए उस भक्त को दर्शन कराया जाए। दर्शन यदि 30 तारीख को भी खोला जाएगा प्रचार करके तो भीड़ नहीं समझेगी। एक तो लोकल आदमी उबला हुआ बैठा है दर्शन करने के लिए, क्यों? यहाँ ऐसे भक्त हैं जो सुबह श्रृंगार आरती करने के बाद जल ग्रहण करते थे, या ऐसे भक्त मौजूद हैं जो दोपहर की आरती करने के बाद खाना खाते थे, या ऐसे भक्त मौजूद हैं जो रात्रि आरती करने के बाद अपने घर जाकर भोजन करते थे। सारे रुके पड़े हुए, स्प्रिंग को दाब दिया गया। यदि स्प्रिंग को एक साथ खोला गया तो सीधा मुंह पे आके लगेगी, धीरे 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 उसको खोला जाए और लास्ट में एकदम खोल दिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे लॉकआउट को खोला, खोल दिया, फिर कहा, फिर खोल दिया, फिर थोड़ा कुछ कहा, फिर खोल दिया। सबसे पहले उन्होंने ताली बजवा दी, फिर दीपक जलवा दिए। अब उन्होंने ये कह दिया है कि भैया कोई गलत काम मत करना, क्यों? कि कोरोना है। इसका बहुत विचित्र अर्थ है, बहुत गंभीर अर्थ है। दार्शनिक रूप से देखेंगे तो अलग अर्थ है, सामाजिक रूप से देखेंगे तो अलग अर्थ है, अर्थ के रूप से देखेंगे तो अलग अर्थ है। भैया पैसा कहाँ जाएगा? आपका शरीर नहीं रहा तो पैसा क्या होगा? आप दर्शन नहीं कर पाए, भूखे मर गए तो क्या होगा? आप समाज से संग नहीं रहे तो क्या होगा? तीनों को, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी, तीनों को यदि मिलाया जाए तो निष्कर्ष यही है कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद में भी दर्शन का लॉकडाउन अभी कुछ दिन तक चलने देना चाहिए और धीरे धीरे करके, किसी दिन खोल दिया, किसी दिन बंद कर दिया, किसी दिन खोल दिया, किसी दिन बंद कर दिया, इस तरह से यदि करेंगे
तो माननीय प्रधानमंत्री जी की इज्जत भी रहेगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की इज्जत भी रहेगी और डीएम जी की बढ़ाई होगी, एसएसपी की जयकार होगी, पुलिस की जयकार होगी और हम यदि पूरे रूप से मंदिर को नियंत्रित भीड़ से कर गए तो सारे अधिकारियों को बिहारी जी महाराज की इकलाई और बिहारी जी महाराज के पुष्पों से भरमार कर देंगे। बस यही है कि थोड़ा इस पर देखिए, मैं यहाँ प्रेसिडेंट भी रहा, मैंने यह बहुत व्यवस्थाएं की, मेरा इतिहास है, मैं 5 बार यहाँ मंदिर कमेटी का एक छोटा सा सदस्य, बिहारी जी महाराज का छोटा सा नौकर बन के रहा। बिहारी जी महाराज ने मुझे अध्यक्षता भी दी, मैंने उसको भी स्वीकार किया और यहाँ कभी दर्शन खोलते थे, कभी बंद हो जाते थे, कभी ये होता था, गुसाइयों का नाटक था, उसको कंट्रोल किया। उसको कहते हैं आरती समय पर करना, दर्शन समय पर खुलना, दर्शन बंद होने समय पर बंद होना, वो नियम भी मैंने पास कराया। मैं माननीय जिला जज, माननीय पुलिस अधिकारी जी से यही कहता हूँ, अनुरोध करता हूँ, लॉकडाउन को इकट्ठा मत खोलिएगा, लॉकडाउन को क्रम से खोलिएगा, किसी दिन खोल दिया, किसी दिन बंद कर दिया, किसी दिन खोल दिया। यदि आप लगातार लॉकडाउन रखेंगे तो एक बवाल जो भक्त हैं उनका उमड़ेगा और जब वो बवाल उमड़ा तो भी नहीं समझ पाएगा। इसलिए कभी वृंदावन के आदमी को खोल दीजिए, कभी उत्तर प्रदेश के आगरा के आदमियों के लिए भी खोल दीजिए, कभी मथुरा के आदमियों के, आज मथुरा के आदमी ही प्रवेश करेंगे, आज छाता के ही करेंगे, आज गोवर्धन के ही करेंगे, आज बरसाने के करेंगे, जो आइडिया लेके अपने आईडी लेके आएगा वही अंदर प्रवेश करेगा और इतनी जनसंख्या से ज़्यादा प्रवेश नहीं करेगा। दूरी का इस्तेमाल करेंगे, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, सोशल, हाँ वही सोशल कह लो, दूरी का कह लो, बात एक ही है, भोजन को यूँ करके खा लो, भोजन को यूँ करके खा लो, एक ही बात है।